कहते हैं कि जो हमें विषय मिला है हमें उस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें तीन चीजें थी, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दूसरा था चंद्रयान 3 और तीसरी थी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग। तो वी विल हैव टू पे अटेंशन अबाउट ऑल दीज ऑल थ्री वर्ड्स। इसरो, तो सबसे पहले थोड़ा सा आप भी उस समय को याद कीजिए, 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 भारत पाकिस्तान के मैच में भी उतनी टपटपी लगाए नहीं रहते जितने कि उस दिन 140 करोड़ देशवासी उस समय टपटपी लगाए बैठे थे जिस समय विक्रम लैंडर लैंड करने वाला था। उस समय को अभिभूत कीजिए, उस दृश्य को अपने अंदर लाइए। जैसे ही लैंड हुआ, प्रधानमंत्री जो कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में थे, उन्होंने वहां से पूरे देश को संबोधित किया। वैज्ञानिकों की घनघोर तालियां आज भी उस वैज्ञानिक आभा में गुंजायमान है। और वो दृश्य, वो स्थिति जिसने आपको पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर, और क्योंकि साउथ पोल भी जोड़ा था अपने नोटिस में, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले आप अकेले भारतीय हैं, अकेले व्यक्ति हैं, अकेले देश हैं, व्यक्ति हैं देश। तो जहां आप अकेले हो तो सोचिए आप कैसा अनुभव करते होंगे। आपने वो काम कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर पाया। अब जब देश कर ही नहीं पाया, देश जा ही नहीं पाया, तो वह पता कैसे चलेगा यह क्या क्या चीज है, किसी को पता ही नहीं है। All those things are unknown nowadays. अब वो चीज, वो साधन, वो मेहनत केवल इंडिया के द्वारा की गई है। अब इंडिया ही वो है जिसने उन चीजों की जानकारी जुटाने के लिए साउथ पोल पे भेजा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि इसमें ये हमारे लिए एक अभिभूत करने वाला क्षण था, वो दृश्य था कि सब सही बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो आनंद का क्षण होता तभी होता जब इंडिया की टीम पाकिस्तान से जीत जाती है, लेकिन उस दिन वो लग रहा था कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, क्या कर दिखाया।